हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रेसिपी ऑन ऑफ मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए ग्रेविटी केक बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है पर बहुत ही खूबसूरत लगता है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इसे किटकैट केक भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें किटकैट यूज किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और बहुत से टिप्स और ट्रिक देंगे जिससे आप इस तरह और भी खूबसूरत केक बना पाएंगे। तो वीडियो पूरा आप देखिएगा। केक बेक करने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म करना होगा, यानी प्रीहीट करना होगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, एक स्टैंड रखा है, उसे ढककर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट गर्म कर लेते हैं। तब तक हम केक टिन तैयार करेंगे और बैटर को बनाएंगे, केक बैटर को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 6 इंच यानी 6 इंच का केक टिन लिया है, रिफाइंड ऑयल लगाया है, बटर पेपर को सेट कर दिया है। अब हमें बैटर बनाना है जिसके लिए मैंने 1/4 कप पिसी हुई चीनी लिया है, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, आप बटर भी ले सकते हैं, कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रहे हैं 1/4 कप। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप टोटल इसमें आधा कप यानी हाफ कप चीनी डाल सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक छन्नी ले रहे हैं, इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। चॉकलेट केक बना रहे हैं तो 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी चीजों को छान कर हम डाल देते हैं बाउल में। इसके बाद हमें सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है यानी मिलाना है, और साथ में इसमें हम दूध भी डाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप दूध डाला है और अच्छे से मिलाते हैं। बैटर में हमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए, तो यहाँ मैंने 1/4 कप और दूध डाल दिया है। टोटल मैंने 1/2 कप दूध का यूज किया है। इसी के साथ इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच हम विनेगर डालेंगे, विनेगर से जो केक बेस होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो इसके बाद मैंने सभी चीज़ को एक बार फिर से मिलाया है और यहाँ जो केक बैटर है ये बिल्कुल तैयार है। केक बैटर बहुत टाइट नहीं चाहिए यानी बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इसे हम केक टिन में डाल देते हैं, टैप कर देंगे और उसके बाद इसे हमें बेक करना है। आप चाहें तो इसे ओवन बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर, लगभग 30 से 35 मिनट लगेगा, पर इसे हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं। लगभग 35 से 40 मिनट में ये बेक होगा और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें बेक करना है। तो यहाँ जो चॉकलेट केक बेस है ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, हल्का सा मैंने इसे ठंडा कर लिया है और फटाफट इसे हम केक टिन से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद इसे हम कूलिंग रैक पर रखेंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद हम लोग आइसिंग कर सकें। आप चाहें तो इस केक बेस को एक दिन पहले भी बना सकते हैं। तो ये बेस बिल्कुल तैयार है, जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम लोग और तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने हैवी क्रीम ली है जिससे हम व्हिप क्रीम बनाएंगे। हैवी क्रीम जो होती है वो नॉन डेरी क्रीम होती है, जो नॉर्मल जो अमूल की क्रीम आती है वो क्रीम नहीं होती है। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बीटर से इसे आपको तब तक बीट करना है जब तक ये डबल से ज़्यादा ना हो जाए और बिल्कुल थिक ना हो जाए। क्रीम तैयार हो चुकी है, इसका जो चेक करने का तरीका होता है बाउल को कुछ इस तरह पलटें, अगर क्रीम अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो व्हिप क्रीम बनकर तैयार है। इसी के साथ हम लोग शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी पिसी हुई चीनी लिया है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, आप चाहें तो खड़ी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे से मिला लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से शुगर सिरप बनकर तैयार हो चुका है। केक भी ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले इसकी ऊपर की लेयर को निकालेंगे और इसके बाद आप इसे 2 या 3 लेयर में काट सकते हैं और चाहें तो आप इसे 4 लेयर में भी काट सकते हैं। अब हम फटाफट आइसिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने केक बोर्ड लिया है, थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाई है, केक की एक लेयर को सेट किया है जिससे केक बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होगा। शुगर सिरप लगा रहे हैं और इसके बाद हमें व्हिप क्रीम से इसे अच्छे से कवर करना है, यानी व्हिप क्रीम को स्प्रेड करना है। तो यहाँ हम थोड़ा सा सॉस का यूज़ कर रहे हैं, चॉकलेट सॉस का यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये क्रीम चॉकलेटी हो जाएगी। आप चाहें तो प्लेन व्हिप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसमें बिना चॉकलेट ऐड किए इसे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। अब मैंने केक की सेकेंड लेयर को रखा है और इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि केक ड्राई है या 2-3 दिन पुराना है, तब आपको शुगर सिरप का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो यहाँ मैंने शुगर सिरप लगा लिया है, एक बार फिर से मैंने क्रीम रखा है और मैंने चॉकलेट सॉस डाला है। चॉकलेट सॉस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ना यूज़ करें। क्रीम को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, केक की थर्ड लेयर रखा है, इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा रहे हैं और एक बार फिर से हम इसमें क्रीम और सॉस डालेंगे। इस बार हम
चॉकलेट सॉस का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मैंने क्रीम को चॉकलेटी बनाया है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। क्रीम को चारों तरफ स्प्रेड करना है और केक को कवर करना है। तो कुछ इस तरह का केक बनकर तैयार हो चुका है। वैसे आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, पर आज हम ग्रेविटी केक बनाने वाले हैं, या आप इसे किटकैट या जेम्स केक भी कह सकते हैं, जिसके लिए हमें दो तीन चीज़ें अभी चाहिए। जैसे सबसे पहले कलरफुल जेम्स चाहिए। आप ऐसे मार्केट से ले सकते हैं या इसका 1 किलो का पैकेट भी आता है। साथ में मैंने यहाँ किटकैट लिया है और इस तरह की स्टिक ली है। साथ में मैंने जेम्स के पैकेट लिए हैं जिसे हम यूज़ करेंगे और ग्रेविटी केक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें किटकैट को केक पर अच्छे से सेट करना होगा, केक के साइड में सेट करना होगा कुछ इस तरह। तो आपको केक को फ्रिज में नहीं रखना है, जैसे ही आप आइसिंग करेंगे, क्रीम लगाएंगे, उसके बाद ही आपको किटकैट को सेट करना होगा, तभी ये अच्छे से चिपक पाएगा। अगर आप क्रीम को सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे तो किटकैट अच्छे से सेट नहीं होगा। तो बस आपको एक एक करके साइड में किटकैट को दबाते हुए इस तरह सेट करना है। आप चाहें तो केक को पूरी तरह किटकैट से कवर कर सकते हैं, आधा कवर कर सकते हैं या आधे से ज्यादा भी कवर कर सकते हैं। तो अभी मैंने किटकैट से कुछ इस तरह केक को कवर किया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा किटकैट मुझे और लगाना चाहिए, जो मैं बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले बीच में और नीचे की ओर हम जेम्स को अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसके बाद किटकैट को अच्छे से सेट करेंगे। जेम्स के 1 kg के भी पैकेट आते हैं, पर उसमें आपको छोटा पैकेट नहीं मिल पाएगा। और ये जो 1 kg के पैकेट होते हैं वो बेकरी शॉप यानी जहाँ बेकिंग का सामान मिलता है वहीं आपको मिल पाएगा, नहीं तो आप छोटे पैकेट का यूज़ करें और उसमें से जेम्स को इकट्ठा कर लें और उसके बाद केक को डेकोरेट करें, और जो छोटे पैकेट होते हैं उससे आप ग्रेविटी का लुक दे सकते हैं। तो अब हम केक के साइड में जेम्स को अच्छे से सेट कर देते हैं यानी चिपका देते हैं। तो कुछ इस तरह का केक बनकर तैयार हुआ है। अभी पूरा नहीं बना है क्योंकि हमें इसमें ग्रेविटी दिखाना है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है कि जेम्स नीचे की ओर गिर रहा है। अभी हमें ऊपर से भी जेम्स को गिराना है, जिसके लिए हमें चाहिए पनीर टिक्का वाली स्टिक, और इसे हम केक पर अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टिक ले लिया है और इसे हम केक पर हल्का सा तिरछा लगा रहे हैं और थोड़ा साइड में लगाएंगे। और ये जो स्टिक है इसके ऊपर हमें पैकेट को कुछ इस तरह सेट करना होगा, और जो बीच में जगह दिख रही है स्टिक की, इसे हमें कवर करना है। तो पैकेट को पहले निकाल देते हैं और इसे हम कवर करेंगे। कवर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट ली है, वैसे आप वाइट चॉकलेट लें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास इस समय वाइट चॉकलेट नहीं थी। बस आपको चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है और उसके बाद आपको एक एक जेम्स के पीछे जिस जेम्स को आपको चिपकाना है उस साइड आपको चॉकलेट लगाना है हल्की सी, और स्टिक पर अच्छे से चिपका देना है। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट है तो आप वाइट चॉकलेट का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि चॉकलेट दिखता नहीं है, डार्क चॉकलेट दिखता है। तो यहाँ मैंने स्टिक पर अच्छे से कवर कर दिया है जेम्स से, और इसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रखा था लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे स्टिक अच्छे से सेट हो जाए, और इसके बाद ही आपको इसके ऊपर पैकेट लगाना है। पैकेट को कुछ इस तरह सेट करना है जैसे लगे कि पैकेट से जेम्स नीचे की ओर गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये केक। इसके बाद आप साइड में इस तरह रिबन लगा सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा केक। और यहाँ जो ग्रेविटी केक है ये बिल्कुल तैयार है। तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये केक का वीडियो कैसा लगा। इसी तरह आप और केक का वीडियो चाहते हैं, इसी स्टाइल में चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ जो ग्रेविटी केक है ये बिल्कुल तैयार है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।